भामबी सूत्रधार समाज का 17वां सामूहिक विवाह सम्मेलन नंदानगर तीन पुलिया के पास मां कनकेश्वरी देवी ज्ञान गंगा परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में देश भर के भामबी समाज जनों ने उपस्थित होकर 17 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया। सम्मेलन के पूर्व नंदानगर स्थित हनुमान मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक विशाल बारात निकाली गई। वहीं सम्मेलन स्थल पर सामेला, पाणी ग्रहण संस्कार, आशीर्वाद समारोह एवं स्नेह भोज का आयोजन किया गया। बाहर से आने वाले समाजजनों के लिए ठहरने एवं रहने की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में विधायक रमेश मेंदोला एवं पार्षद चंदू शिंदे भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समाज के संरक्षक पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता सुरेश कुरवाड़े ने बताया कि आज 17 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। सभी नव दंपतियों को घर गृहस्थी के संपूर्ण सामान के साथ ही मोटरसाइकिल, LCD, फ्रिज, कूलर, पलंग, गादी, सूट का कपड़ा, सोफा सेट, कपड़े, सोने का पैंडल, सोने के टॉप्स, नाक की लॉन्ग, सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, बिछिया भी भेंट की गई है। कई परिवार तो ऐसे थे जिनके घर में साइकिल नहीं थी, उन परिवारों को इस सामूहिक विवाह से काफी अधिक फायदा हुआ है। समाजजनों की सेवा करके समाज के वरिष्ठ भी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। भामबी सूत्रकार समाज के संरक्षक सुरेश कुरवाड़े, अध्यक्ष लक्ष्मण कुरवाड़े, नंदकिशोर कड़ेला, सुनील कल्डाले, प्रवीण पंडियार, पप्पू सिंगले, प्रकाश धुलेरिया एवं राजेश तवर ने आयोजन की सफलता पर सभी समाजजनों का आभार माना। आज भामी सूत्रकार समाज का सामूहिक विवाह का समागम है। आज भामी समाज द्वारा 17 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया गया है और पूरे प्रदेश से इसमें जोड़े शामिल हुए हैं। और क्या उनको जोड़ों को क्या यहाँ से जो एक सामान्य परिवार, अच्छा संपन्न परिवार जो रहता है, जो दहेज में सामग्री देता है, वो सारी सामग्री भामी समाज अपने यहाँ के समाज के लोग, जो समाज सेवी लोग हैं, वो सब उनके सहयोग से प्रदान की जा रही है। देश प्रदेश से लोग आए तो उनके ठहरने रहने की व्यवस्था, उनके जैसे कोटा राजस्थान से आए हैं, कुछ हरियाणा से आए, कुछ गुजरात से आए, कुछ अहमदाबाद से आए, कुछ रतलाम, उज्जैन, यहाँ के लोग आए हैं, उनके सारे को व्यवस्था हमने करीबन 8 धर्मशालाएं बुक करी थी, उन धर्मशालाओं में वो ठहरे हैं, उनकी सारी व्यवस्था और सुविधा का ध्यान रखा गया है। और एक क्या मुख्य उद्देश्य इस तरह के सामूहिक विवाह समाज में, इस जोड़ों, इस जो 17 सामूहिक विवाह, उसमें सिर्फ 8 जोड़े ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ साइकिल मात्र की थी उनके घरों में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अभी जो अलमारी और जो हम TV वगैरह जो दे रहे हैं, उनका मोटरसाइकिल उनको रखने की भी उनके घरों में व्यवस्था नहीं है। बहुत गरीब समाज है, मगर फिर भी हम उनको दे रहे हैं और बड़े प्रसन्न है, बहुत खुश है। हमारे भामी सूत्रकार समाज का 17वां विवाह सम्मेलन है और इसमें नीमच से, कोटा से, शाहजहाँपुर से और मध्य प्रदेश से काफ़ी जगह से जोड़ा आए हुए हैं। रतलाम है, धार है, आलोट है, काफ़ी जगह से जोड़ा आए हुए हैं और इसको हमने बहुत ही सोच समझ के, और इतना गरीब कन्या है, उनको पूरा सामान मिले, घर परिवार उनका बिल्कुल संपन्न रहे, कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हो, इस हिसाब से हमने उनको कलर TV दिया है, फ्रिज दिया है, पलंग दिए हैं, बिस्तर दिए हैं और एक लड़कों को एक मोटरसाइकिल भी दिए, ताकि दूल्हा दुल्हन दोनों रोड पे घूम सके अपने। आज का 17वां सामूहिक विवाह हो रहा है और सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं, अच्छी सहयोग दिया है समाज ने, समाज बंधुओं ने अच्छा सहयोग दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि गरीब परिवार सबके सहयोग से आगे बढ़े। बहुत बहुत हमें समाज बड़ा गरीब समाज है और बहुत हमारे जितने भी भाई साथी हैं उन्हें कर्मठ इतनी मेहनत से 6 महीने से लगातार प्रयास करके इस सामूहिक सम्मेलन को इतना शानदार जानदार बनाया कि ये भामी सूत्रकार समाज पूरे राजस्थान में एक इतिहासिक सम्मेलन नाम से जाना जा रहा है। जयपुर से, जोधपुर से, झालावाड़ से, रतलाम से, धार से, इंदौर से, मऊ से, कई हमारे यहाँ से जो वर वधु आए हैं, उनका जो साथ में आने वाले हैं उनको हमारी तरफ से बढ़िया सोने का बढ़िया 1 तोला सोना वधु को दिया गया है, आलमारियाँ दी गई है, मोटरसाइकिलें दी गई है सब। और ये जो कार्य किया है इतने बधाई के पात्र हैं, पूरे देश में हम अग्रणी हुए ये आयोजन को लेके। बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं करोड़ों परिवार को कि इतना भव्य और संपन्न आर्थिक रूप से दूल्हा दुल्हन के लिए जो आयोजन किया गया।